कृष्ण है 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 कृष्ण कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है चढ़ता है तो अपनी चीज को जैसे बरतो, लेकिन कई बार क्या होता है प्रेम भाव से भी नीचे भावनाओं में जब आ जाता है तो भावनाएं कहती क्या है, दो बातें होती है सेंटिमेंट एंड इमोशंस, भाव और भावुकता, बहुत फर्क है। यहां जो भी बात अब कह दी है कह रहा है प्रेमी वो भावनाओं की बातें हैं, भाव की नहीं, जो भावनाएं बदलती रहती हैं, भाव स्थायी रहता है, स्थिर रहता है, परमानेंट रहता है। लेकिन सरे महफिल करम इतना, सरे महफिल करम इतना, तो मेरे श्याम हो निगाहें मुंतजिर रह जाए तेरा दीदार हो जाए। सरे महफिल, मैं जानता हूं तुम्हें पर्दा करने की आदत है, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे पर्दों की लिहाज खत्म हो जाए, इसलिए भले मेरी बाहर की आंखें खुली रह जाएं, इंतजार करती रहें,
लेकिन अंतर चक्षुओं से मैं तुम्हें निहार लू, तुम्हें देख लू। सरे महफिल करूं इतना तो मेरे शाम हो जाए, निगाहें मुंतजर रह जाए, तेरा दीदार हो जाए। तुझे मंजूर है पर्दा, तुझे मंजूर है पर्दा, मुझे पाशे यदब वरना, मैं भी तुम्हारी लिहाज गरिमा खोल बनाए रखना चाहता हूं। यदि तुझे पर्दे में ही रहने की आदत है तो तुझे मंजूर है पर्दा, मुझे पासे अदब भरना, मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए, मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। ये तो बात हुई अंतर चक्षुओं की, लेकिन बाहर की आंखें भी तुम्हें देखे, इसके लिए भी एक उपाय मैंने अपनाया है। क्या? ऐ शाम तेरी हर शय से मैं नजरें मिलाता, श्याम तेरी हर शय से मैं नजरें मिलाता हूं, क्यों न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, न जाने कौन सी शय में दीदार हो जाए। इसलिए प्यारे फना इतना तो हो ना, जब बाहर की आंखों से भी और अंदर की आंखों से तुम्हें देख लूंगा तो क्या होगा, फना मैं इतना तेरे अंदर लीन हो जाऊंगा कि मेरे सारे रंग समाप्त हो जाएंगे, मेरा अस्तित्व मेरा ना रहकर अब तेरा ही बचा रहेगा। इसे कहते हैं सागर के अंदर डुबकी लगाना। जब डुबकी लगाकर कोई बाहर आता है, चाहे पानी में से आए या रस में से आए, तो उसके शरीर से जो भी निचुड़ेगा, जो भी बहेगा, वो रस ही तो होगा। जहां से डुबकी लगाकर आया वही चीज उससे बाहर निकलेगी। इसलिए प्यारे फना इतना तो हो जाओ, मैं तेरी शान आली में, मैं तेरी शान आली में, कि जो मुझको देख ले तेरा दीदार हो जाए, कि जो मुझको देख ले तेरा दीदार हो जाए। लेकिन ये स्थिति कब आए, ऐ दिल इतनी कशिश तो, ऐ दिल इतनी कशिश तो हो अपनी निगाहें शौक में, अपनी निगाहें शौक में, कितनी कशिश हो इधर दिल में ख्याल आए उधर दीदार हो जाए, इधर दिल में ख्याल आए
तेरा दीदार हो जाए। इसीलिए कहते हैं जरा और बढ़ा ले तू दर्दे जिगर, ऐ दिल इतनी कशिश तो हो अपनी निगाहें शौक में, इधर दिल में ख्याल आए उधर दीदार हो जाए। इसलिए जरा और बढ़ा ले तू दर्दे जिगर, फिर देख गजब हो जाएगा। ईश्वर का नाम तो हम सब लेते हैं, लेकिन उस नाम के साथ उसके मिलन की एक आशा, एक पीड़ा, एक वेदना मिल जाए तो कोई दूरी रहती ही नहीं। इसलिए सूफी कह रहा है यार, जरा और बढ़ा ले तू दर्दे जिगर, फिर देख गजब हो जाएगा। क्या गजब हो जाएगा, पर्दे भी उठ जाएंगे और दीदार भी हो जाएगा। पर्दे भी उठ जाएंगे और दीदार भी हो जाएगा। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। भजो प्यारे भजो। कृष्ण है 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 कृष्ण है